हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक सीएसएच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिजीपे में जो एरर आ रहा है, सिंगल डिवाइस रजिस्टर नॉट येट। ठीक है दोस्तों, तो यह जो आपको एरर शो हो रहा है, इस एरर का जो है आप किस तरह से बड़ी आसानी से जो सॉल्यूशन जो है आप कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आप डिजीपे का जो नया लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं। डिजीपे का नया वर्जन आ चुका है दोस्तों, 4.0। ठीक है, और उसी में जो कुछ बग्स जो थे जो कि आपको काफ़ी परेशान कर रहे थे, आपको बार बार कुछ ना कुछ नया एरर जो आपको शो हो रहा था, 500, 502, 503, दोस्तों इन सारे एरर्स का जो है सॉल्यूशन कर दिया गया है। और अब आपको जो है डिजीपे का नया वर्जन 4.1 देखने को मिल रहा है विदाउट बग्स के साथ दोस्तों। तो आपको जो है डिजीपे का नया वर्जन दोस्तों डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर जा करके आपको सर्च कर देना डिजीपे। दोस्तों आप जैसे ही डिजीपे आप सर्च कर देते हैं, आपके सामने जो लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं डिजीपे का जो नया वर्जन है 4.1 का। तो हम इसके चल जाते हैं अबाउट सेक्शन में, और जैसा कि आप देख पा रहे हम अबाउट दिस ऐप पर चले गए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है डिजीपे नया वर्जन 4.1 और 23 अक्टूबर को जो है दोस्तों यहाँ पर अपडेट हुआ है। दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है डिजीपे का जो नया वर्जन है 18 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था 4.0 वर्जन, और अब हमें जो है सिस्टम्स के लिए भी जो है 4.1 वर्जन जो है पहल रही जो है देखने को मिल गया था 22 तारीख को दोस्तों। और अब ये जो डिजीपे का 23 तारीख को जो है नया वर्जन हमें मोबाइल वर्जन के लिए जो है देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं बिना समय जो है गवाए हुए आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो है आप सिंगल डिवाइस रजिस्टर नॉट येट का जो आपको एरर शो हो रहा है वह एरर जो आप किस तरह से जो सॉल्व कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास मोर्फो SCL और दूसरा जो है डिजीपे। ठीक है, ये दोनों जो है आपको इंस्टॉल कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजीपे यूज़ कर रहे हैं तो डिजीपे तो आपको पता ही है दोस्तों कि डिजीपे तो आप इंस्टॉल कर ही लोगे, लेकिन डिजीपे को अगर आपको रन करना है विद आपके मोर्फो डिवाइस के साथ में, तो आपको जो है प्ले स्टोर से मोर्फो SCL जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उससे जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं मोर्फो ID सर्विस, और हमें जो फर्स्ट में जो मिल जाता है दोस्तों मोर्फो SCL ID सर्विस, इसे जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमने यहाँ पर इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है दोस्तों। ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मोर्फो SCL ID सर्विस पे पहले तो आपको चले जाना है, या फिर इसे अलो एक एक्सेस दे देना है। एक्सेस देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ना जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको रिफ्रेश का जो आइकॉन दिख रहा है, रिफ्रेश पर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं नो सिंगल डिवाइस रजिस्टर येट। ठीक है, आपको यह जो एरर है वो शो हो रहा है। इस एरर का दोस्तों हम सॉल्यूशन आपको फुली बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है इसी का एरर जो सॉल्यूशन जो है इसका करके दिखाएंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर डिजीपे को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर डिजीपे को जो अलो का है जो एक्सेस दे दिया है, हम दोबारा से डिजीपे ओपन कर लेते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर लोकेशन सर्विस को जो इनेबल करने का बोला जा रहा है, हमने यहाँ पर लोकेशन को भी जो है इनेबल कर दिया है। हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं, और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस नॉट फाउंड कनेक्ट ID इनेबल बायोमेट्रिक सर्विस, आपको एक यह भी एरर जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं इस एरर को, चलिए हमें पे क्लोज। ठीक है, इस तरह भी हो गया। तो यहाँ पर जो है आप काफ़ी टाइम तक अगर आप वेट भी करते रहोगे तो ये जो है आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिसेंटली जो टैब है इन्हें सारे को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है सारे रिसेंटली टैब जो है क्लोज कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर फिर से मोर्फो SCL ID सर्विस में जाते हैं, और हम यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश आइकॉन पर क्लिक करते हैं, हमें फिर से यही जो है एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा से जो है डिजीपे ओपन कर लेते हैं, हमें फिर से ही जो है एरर को देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सारे टैब को क्लोज करने के बाद आपको जो है लोकेशन तो आपने इनेबल कर ही दिया, जो कि आपको लोकेशन का जो एक्सेस मांगा गया था, लोकेशन जो है आपने इनेबल कर चुके हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत सारे मोबाइल्स में जो है OTG जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसे कोई अंदर सेटिंग से जो इनेबल नहीं करना होता, लेकिन बहुत सारे डिवाइस में दोस्तों OTG को अंदर से इनेबल करना होता है। जैसे आप सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में सर्च करोगे OTG, ओके दोस्तों OTG कनेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे OTG को जो है इनेबल कर देना, जैसा हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया है। जैसे ही आप इस इनेबल बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्टरिंग डिवाइस का जो है पॉपअप मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से जो डिवाइस आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर दोबारा से जो है एक बार और मैसेज होगा, और यह जो है आपकी डिवाइस जो है रजिस्टर हो चुकी है।
तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मोरगो आईडी सर्विस जो SCL सर्विस है उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रिंग डिवाइस ले रहा है आपको इसी तरह से चले जाना है मोरगो SCL सर्विस पर। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये डिवाइस इज़ रेडी फॉर यूज़ लिखा रहा है। ओके, तो यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन हो चुका है और अब हम यहाँ पर डिजीपे ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आईडी सर्विस फाउंड, ठीक है, तो यहाँ अब जो आईडी सर्विस वो फाउंड हो चुकी है, हमें जो है हमारा जो एप्लीकेशन वो आसानी से जो ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर हमारा CC आईडी एंटर करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे जो हमारा CC आईडी एंटर किया है चेकबॉक्स पर चेक कर दिया है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक के बाद जो है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। CC और MP ऑनलाइन या अन्य वैकेंसी जो रिजल्ट से एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। तो OTP सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे रजिस्टर मोबाइल पे जो है OTP सेंड हो चुका है। तो हम यहाँ पर OTP जो है फिलअप कर लेंगे, ठीक है, 90 51 24 ये हमने OTP फिलअप कर चुके हैं और वेरीफाई OTP पर हमने क्लिक कर दिया है। और जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं सिंक्रोनाइजिंग जो हो रहा है और यहाँ जो हमारा रजिस्टर हो चुका है डिजीपे, और हम यहाँ पे स्कैन बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो है थंब वो है इम्प्रेस करेंगे। तो हमारा थंब जो है इम्प्रेस हो चुका है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है इन प्रोग्रेस में चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है, हमने यहाँ पर यस बटन पर क्लिक कर दिया है। और जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर हमारा CC आईडी एंटर कर रहे हैं, हमने चेकबॉक्स पर चेक करके हम दोबारा फिंगर जो हम इम्प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमसे अलाउ भी मांगा जा रहा है, मतलब जो सारी कुछ प्रोसेस फ्रेंड सही से चल रही है हमारी। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक नहीं किया और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना जो है वेरी हेल्पफुल वीडियोज़ जो है लाते रहते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं ड्यूअल ऑथराइज्ड OTP, ठीक है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP और सेंड हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास OTP आ चुका है और हमने यहाँ पे जो OTP फिलअप किया है वेरीफाई OTP पर जो है क्लिक कर दिया है। और यहाँ देख लीजिए हमारे सामने जो है DigiPay का मोबाइल वर्जन 4.1 जो है बड़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। और जो है दोस्तों विड्रॉल बैलेंस पासबुक DMT पेआउट अभी तीनों ऑप्शन चल रहे हैं, DMT पेआउट, ठीक है, यहाँ पर हमें चारों ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट साइड पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप हमारा नेम चेक कर पा रहे होंगे तो हमें यहाँ पर बैलेंस पासबुक पेआउट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पासबुक और पे आउट का ऑप्शन देख रहा है। DMT का दोस्तों जो आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर मिलता है, ठीक है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जो कि नया अभी ऑप्शन आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़े आसानी से हम यहाँ पर मोबाइल वर्जन को एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐड रिमाइंडर कीजिए, ठीक है दोस्तों, ऐड रिमाइंडर पर आप क्लिक कर देंगे, मतलब सारी कुछ डिटेल जो है कस्टमर की आप फिलअप कर लेंगे, मोबाइल नंबर जेंडर, फिर से क्रिएट OTP आप क्लिक करेंगे, फिर आपको आई बटन पर एक लिंक मिल जाएगा। हमने यहाँ पर सिस्टम पर आपको कम्प्लीटली बताया, सिस्टम और मोबाइल दोनों वर्जन जो है सेम वर्क करते हैं, किस तरह से आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ऐड पे अप ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप अकाउंट नंबर जरिए जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सारा कुछ जो हमने बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इस चैनल के माध्यम से हेल्प हुई है। दोस्तों इस वीडियो में बस हमें यही बताना था और अभी तक दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।